The worst way to die. Oh my God. वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं एक सुपर सर्वाइवल मूवी जो 2010 में रिलीज हुई थी और मूवी का नाम है फ्रोजन। ये कहानी है तीन फ्रेंड्स की जो स्काइंग करने के लिए बर्फीले पहाड़ पर जाते हैं। स्काइंग करने के लिए इन्हें पहाड़ की चोटी पर पहुंचना होगा जहां से वे नीचे की ओर स्केट करेंगे, लेकिन ऊपर जाते वक्त बीच रास्ते में उनका रोप का रुक जाता है। अब इतनी ऊंचाई पर और वो भी भारी स्नोफॉल के बीच सर्वाइवल के लिए ये क्या क्या करते हैं और आखिर में ये सर्वाइव कर भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ इस मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी में हर पल एक नया चैलेंज खड़ा होगा और आप फील कर पाएंगे कि ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मूवी की शुरुआत में एक विशाल बर्फीले पहाड़ को दिखाते हैं, लगता है ये दूध का धुला है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसकी वजह से भीड़ भी ज्यादा होती है। कई लोग रोप कार्ट्स में ऊपर जा रहे होते हैं और हर कोई अपने तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ स्काइंग को एंजॉय करने के लिए तीन फ्रेंड्स आते हैं। यह है मूवी की हीरोइन पार्कर, इसके पास खड़ा है इसका बॉयफ्रेंड डैन, और जब किसी ग्रुप में कपल होते हैं तो उनके साथ एक बेचारा सिंगल फ्रेंड जरूर होता है और वो बेचारा है ये जोए। अब प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने स्काइंग का एडवांस बुकिंग नहीं किया था। यहाँ उनका एक दोस्त था जिसने इन्हें ऑन द स्पॉट बुकिंग का वादा किया था, लेकिन वो कम वक्त आज ड्यूटी पर नहीं आया और दूसरा आदमी यहाँ का इंचार्ज है। अब क्या करेंगे, आज तो स्काइंग नहीं हो पाएगी। डैन कहता है कि मेरे पास एक सुपर आइडिया है। पार्कर पूछती है कि अरे वाह, तुम्हें सोचना भी आता है, बताओ क्या आइडिया है। वो कहता है कि सुनो, तुम एक लड़की हो। अरे ये अभी पता चला क्या तुम्हें, दिमाग मत खाओ और आइडिया बताओ। बेबी तुम उस इंचार्ज से जरा हट कर बात करो ना, कुछ पैसे वैसे मांगेगा तो भी दे देंगे। तुम जैसा घटिया बॉयफ्रेंड किसी लड़की को ना मिले। खैर मैं जाकर ट्राई करती हूँ। ये कहकर वो इंचार्ज के पास जाती है और जरा हंसकर कहती है कि मैं और मेरे दो फ्रेंड्स टिकट बुक करवाना भूल गए थे, लेकिन हमारे पास कैश है। अगर आप पैसे लेकर अभी हमारी बुकिंग करवा देते हो तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। आपके फ्रेंड्स तो हमारे फ्रेंड्स भी हैं मैडम, उन्हें भी बुलाइए, मैं तुरंत रोप कार अरेंज कर लेता हूँ। इस तरह लड़कियों का नाम सुनकर वो तुरंत मान जाता है। डैन और जोए खुश होकर वहाँ पर आते हैं, लेकिन जब इंचार्ज देखता है कि फ्रेंड्स लड़कियाँ नहीं लड़के हैं, तो वो चिढ़कर पूछता है कि आपकी सहेलियाँ कहाँ हैं। सर वो पीछे ट्रक में आ रही है, अभी आप हमें अलाउ कीजिए। अच्छा मुझे ही उल्लू बना दिया, ये सोचकर इंचार्ज उन्हें कार में चढ़ा देता है। तीनों ऊपर जाते जाते नीचे का खूबसूरत नजारा देखते हैं और मजे से गप्पे लड़ा रहे होते हैं। कार बहुत ही ऊंचाई पर जा रही होती है, अचानक सारी रोप्स कार रुक जाती हैं। पार्कर घबरा जाती है, लगता है उसको हाइट से डर लगता है, लेकिन जो एक कार को हिलाने लगता है और चिल्लाता है कि हमने पैसे दिए हैं, गाड़ी निकालो भाई। तभी रोप से कार को अटैच करने वाली चिप हिलने लगती है, लेकिन ये लोग उसको नोटिस नहीं करते। डैन जोई को डांटता है कि चुप हो जा वरना नीचे धकेल दूंगा। कुछ देर में कार फिर से चालू हो जाती है, तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और तब हमें बताते हैं कि डैन और जोई प्रोफेशनल स्काइंग करते हैं, लेकिन पार्कर पहली बार आई है, वो इसके गेट्स को फिक्स करना भी नहीं जानती और डैन उसकी मदद कर रहा होता है। तभी एक लड़की स्काई करते करते गिर जाती है, अपना जोई ठहरा सिंगल, वो तुरंत जाकर उस लड़की की मदद करता है, पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आकर जोई को मारने लगता है। वो लड़की जोई से माफी मांगती है और बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक शक्की प्राणी है, जरा साइको है। जोई कहता है कि मैं तो साइको नहीं हूँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो लड़की हंसकर चली जाती है। अब डैन और जोई स्काइंग करने लगते हैं, लेकिन पार्कर बार बार नीचे गिर रही होती है, जिसकी वजह से दोनों लड़कों को भी रुकना पड़ता है और वे इतना एंजॉय नहीं कर पाते। अगले सीन में दिखाते हैं कि तीनों नीचे पहुंच गए हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। डैन और जोए डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज इतना मजा नहीं आया क्योंकि उन्हें हर बार पार्कर के लिए रुक रुक कर स्केट करना पड़ा। तभी पार्कर आकर कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, तुम दोनों दोबारा चले जाना ठीक है, मुझे होटल रूम की चाबी दे दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। जोए उससे सॉरी कहता है, पर वो बुरा नहीं मानती और कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे फोन्स वगैरह तो कमरे में ही है, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करना चाहती हूँ। इस पर जोए कहता है कि अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लेना, फिलहाल तो तुम हमारे साथ ही रहो। इस तरह आपस में सुलह करके तीनों बाहर आते हैं तो अंधेरा हो जाता है। अब पार्कर चाहती है कि जोए के लिए वो दोबारा और आखिरी बार फिर से स्काइंग करे, और तब वहाँ वही लड़की आती है जिसकी जोए ने मदद की थी। जोए उससे बात करने लगता है और झट से उसका नंबर भी मांग लेता है। अब इनके पास फोन तो है नहीं, इसलिए जोए उस लड़की का नंबर याद करने लगता है। वो बड़ा खुश होता है कि अगली बार मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा, तुम दोनों के साथ कभी नहीं आऊंगा। अब डैन मजाक उड़ाता है कि वो लड़की अगर एक बार तुझसे बात कर लेगी ना तो समझ जाएगी कि तुझसे उसका साइको बॉयफ्रेंड ही अच्छा है। अब तीनों वापस रोप कार के इंचार्ज के पास जाकर कहते हैं हमें वापस स्काइंग करने जाना है। वो लाख मना करता है कि मौसम ठीक नहीं है और रात भी हो रही है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, लेकिन
तीनों इतनी जिद करते हैं कि उसे मानना ही पड़ता है और फिर वो तीनों को रोप कार में भेज देता है, पर उन्हें वार्न करता है कि जल्दी नीचे आ जाना। और अब इंचार्ज की शिफ्ट भी खत्म होती है और वो अगले शिफ्ट के इंचार्ज को बताकर जाता है कि तीन लोग ऊपर गए हैं, उनके लौटने के बाद रोप कार को शट डाउन कर देना। यह कहकर वो जल्दी जल्दी चला जाता है। ऊपर ये तीनों पहाड़ की चोटी की ओर जा रहे होते हैं, तभी जोय नीचे कुछ लड़कों को स्काइंग करते हुए देखता है। एक लड़के का शानदार जंप देखकर जोय कहता है कि हम भी इसी स्पॉट पर ऐसा ही सुपर जंप मारेंगे, ओके? और यहाँ आता है मूवी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट और यहीं से सर्वाइवल का स्ट्रगल होता है शुरू। नीचे के तीन स्काईकर्स जो पहले ऊपर गए थे वे अभी लौट कर आए हैं। नया इंचार्ज इन तीनों लड़कों को देखकर समझता है कि पहला इंचार्ज इन्हीं की बात कर रहा था। इन्हें देखते ही वो रोप कार को शट डाउन कर देता है और ऊपर इनकी कार रुक जाती है। जोय डैन और पार्कर को लगता है कि सुबह की तरह इस बार भी कार 5 या 10 मिनट के लिए रुकी जाएगी, उसके बाद चल जाएगी। अब जोय उन्हें डराने के लिए जॉज मूवी की कहानी बताने लगता है कि कैसे शार्क सबको खा जाता है। पार्कर जो पिछली राइड पर डर रही थी वो भी मौत की कहानियां सुनाने लगती है कि एक ऊंची बिल्डिंग पर आग लग गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद कर मर गए, मैं होती तो हाइट देखते ही मर जाती। डैन कहता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो, चुप हो जाओ। अब वे रियलाइज करते हैं कि कार बहुत देर से यहीं पर खड़ी है और इनके अलावा यहाँ कोई और है भी नहीं। डैन पार्कर को दिलासा देता है कि इंचार्ज सुसु करने गया होगा इसलिए लेट कर रहा है। और तभी लॉन्ग शॉट में उस जगह को दिखाते हैं, वहाँ की लाइट्स एक एक करके ऑफ होने लगती है, नीचे रेस्टोरेंट्स की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। अब इन तीनों का दिल धक 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 करने लगता है। लगता है इंचार्ज हम सबसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है, इसलिए उसने लाइट्स ऑफ की हैं और ये भी बंद हो गया है। पार्कर तो कुछ ज्यादा ही डरने लगती है क्योंकि ये जगह सिर्फ वीकेंड्स में खुलती है और आज संडे है, तब तक तो यहाँ नाम के लिए भी कोई इंसान नहीं आएगा। पर डैन उसको हिम्मत देता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं यहाँ से कूद कर किसी को मदद के लिए लेके आऊंगा, मुझे इन चीजों में एक्सपीरियंस है। लेकिन पार्कर का डर कम नहीं होता और वो हेल्प हेल्प करके जोर से चिल्लाने लगती है। अब जोय भी उसे शांत करने की कोशिश करता है पर पार्कर कहती है मुझे वन बाथरूम जाना है। इस पर वो कहता है कि देख बिटिया, फिलहाल तो वन बाथरूम टू बाथरूम सब यहीं करना होगा, मैं सपोर्ट रॉड को जरा उतार देता हूँ, तुम यहीं बैठकर कर लेना। पार्कर डांटती है कि मुझे मरना नहीं है समझे, मैं सुसु कंट्रोल कर लूंगी, तुम बस अपना मनहूस मुंह बंद रखो। अब वक्त धीरे धीरे बीता जा रहा होता है और बहुत देर बाद स्नो स्टॉर्म भी होने लगता है। इन पर भी बर्फ गिरती है और बर्फ का एक एक टुकड़ा इन्हें सुई की तरह चुभता है। अब उन्हें डर लगता है कि हम यहीं धीरे धीरे मरने वाले हैं। और तब नीचे एक रोशनी दिखाई देती है, बर्फ हटाने वाली एक गाड़ी वहां पर आ रही होती है। तीनों चिल्लाने लगते हैं लेकिन स्नो स्टॉर्म की वजह से वो गाड़ी हर तरफ से सील्ड होती है और ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा आगे आ जाएगा तो उसकी नजर इनकी कार पर जरूर पड़ेगी। हमारी तरह ये तीनों भी यही सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी कार का इंचार्ज उस गाड़ी के ड्राइवर को वॉकी टॉकी पर बताता है कि अब ऊपर क्यों जा रहे हो, बाकी का बर्फ अगले हफ्ते क्लियर कर लेंगे। फिर क्या था, वो गाड़ी वापस लौट आती है। ये देखकर इन तीनों की तो हालत ही खराब हो जाती है। वे उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्काइंग स्टिक्स नीचे फेंकने लगते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो गाड़ी अब यहाँ से जा चुकी होती है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि तीनों धीरे धीरे फ्रीज हो रहे हैं। पार्कर लगभग मान चुकी है कि वो यहीं पर फ्रीज होकर मर जाएंगी, पर डैन कहता है मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहीं नहीं मरोगी, ये मेरा प्रॉमिस है। पार्कर स्मोक करने के लिए अपना एक ग्लव उतारती है लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। अब डैन फैसला करता है कि यहाँ बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं नीचे कूदने वाला हूँ, नीचे बर्फ है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर किसी को बुला के लेके आऊंगा। लेकिन जोय को लगता है कि डैन जल्दबाजी कर रहा है, हम सुबह तक वेट कर सकते हैं, जरूर कोई ना कोई जरूर आएगा। देखो जो इस सुबह तक हम सब फ्रीज होकर मर जाएंगे, अभी कुछ करना होगा। और मैंने जो पार्कर से कहा था कि मुझे ऐसी सिचुएशंस का एक्सपीरियंस है वो सब वैसे झूठ कहा था। इतना कहकर डैन कूद पड़ता है और धड़ करके नीचे गिरता है। फिर उसका जो हाल होता है वो दिखाया नहीं जा सकता, उसके पैर टूट जाते हैं और हड्डियां बाहर दिखती हैं। एक पल के लिए तो उसको दर्द ही महसूस नहीं होता लेकिन बाद में अपने पैरों को देखकर उसको पता चलता है कि असल में उसके साथ हुआ क्या है। अब उसे बहुत दर्द होता है और वो चीखने बिलखने लगता है। यहाँ उसके दर्द भरी आवाज को सुनकर पार्कर रोने लगती है। डैन का खून बहने लगता है और उसे बंद करने के लिए पार्कर अपना मफलर नीचे फेंकती है लेकिन वह हवा में कहीं और जाकर गिर जाता है। अब जोय अपना मफलर निकालता है और उसे अच्छी तरह रोल करके फेंकता है। वो डैन से जरा दूर पर जाकर गिरता है। डैन रेंगता हुआ उस मफलर के पास जाता है, दर्द के मारे उसकी जान निकल जाती है। वो मफलर अपने पैर पर बांध कर बड़ी मुश्किल से खून को रोकता है, उसके बाद वो हिल भी नहीं पाता और वहीं बैठ जाता है। इसी बीच उन्हें भेड़ियों की चिल्लाहट आती है, वे और डरने लगते हैं कि अब क्या होगा हमारा। तब जोय को सोचता है कि वो ऊपर केबल को पकड़कर पास की पोल तक पहुंच सकता है, वहां के लैडर से वो नीचे उतर सकता है।
पर डैन कहता है कि केबल जरा कांटेदार होगा, तुम्हारा हाथ छिल जाएगा। लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं होता। ये सोचकर जोय इस रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर बर्फ की वजह से उसका पैर फिसलने लगता है। अब दोनों बर्फ को तोड़ने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे बैठे डैन पर गिरने लगते हैं। डैन की तो दर्द के मारे हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन अपने सर पर हाथ रखकर बैठा रहता है। और जब वो हाथ हटाता है तो सामने एक भेड़िया उसको घूर रहा होता है। जोय कहता है कि तुम जरा भी हिलना मत। ये कहकर वो अपना स्काईबोर्ड जोर से भेड़िया की ओर फेंकता है। उसको गिरते हुए देखकर भेड़िया डर के भाग जाता है। अब डैन घबराने लगता है क्योंकि वो अपने पैरों को महसूस ही नहीं कर पा रहा है। पर जोय उसको हिम्मत देता है कि तुम फिक्र मत करो, बर्फ के कारण पैर फ्रीज हो गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी नीचे आ रहा हूँ। इतना कहकर वो मुड़ता है तो पार्कर के चेहरे पर फ्रॉस्ट बाइट्स दिखते हैं, यानी बर्फ में रहने से स्किन फटने लगी है। जोय कहता है कि फ्रॉस्ट बाइट को टच मत करो वरना चमड़ी छिल जाएगी। ये कहकर वो कार पर चढ़ता है और केबल को पकड़कर आगे बढ़ता है। हालांकि उसने ग्लव्स पहने होते हैं, उसके बावजूद उसकी हथेली छिलने लगती है। फिर भी वो बैलेंस करके दो तीन स्टेप्स आगे बढ़ता है और तब वो नीचे देखता है और एकदम सुन हो जाता है। वो तुरंत कार में लौट आता है और पार्कर से कहता है नीचे मत देखना प्लीज। दरअसल जोय ने स्केटबोर्ड फेंक कर जिस भेड़े को भगाया था वो अपने झुंड के साथ वापस आ गया है। कुछ देर में भेड़ियों का झुंड डैन को मार डालता है और उसके शरीर को चीर चीर कर खाने लगता है। पार्कर शौक की वजह से एकदम चुप बैठी रहती है। जोय अपने हाथ पर छालों को देखने लगता है, तभी अचानक पार्कर कहती है तुमने डैन को कूदने क्यों दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब जोय को बहुत गुस्सा आता है, वो बदले में पार्कर पर चिल्लाता है कि वो तुम्हें बचाने के चक्कर में नीचे कूदा था और अब तुम मुझे दोष देना चाहती हो। अगर तुम स्ट्रिप पर नहीं आती तो हमेशा की तरह डैन और मैं इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते। दोबारा स्काई करने की जिद तुमने की थी, तुम्हारी वजह से मेरे बचपन का दोस्त मर गया और वो भी इतनी खतरनाक मौत। ये सब सुनकर पार्कर फूट फूट कर रोने लगती है कि सारी गलती मेरी ही थी। बहुत देर दोनों रोते हैं और आखिर उनके आंसू भी फ्रीज हो जाते हैं और दोनों शांत होते हैं। तब जोय उस लड़की का नंबर बड़बड़ा रहा होता है। वो बड़े दुख के साथ कहता है कि लड़की को देखकर मुझे लगा कि मैं उससे शादी करूंगा, मेरा परिवार होगा, मेरा एक डॉग भी होगा, पर मेरे सारे सपनों पर बर्फ पड़ चुकी है। डॉग शब्द सुनते ही पार्कर को अपने डॉग की फिक्र होने लगती है, जिससे वो अपने अपार्टमेंट में लॉक करके आई है। अगर मैं नहीं गई तो वो भूख से मर जाएगा। जोय उसको दिलासा देता है कि वो कुत्ता है, इंसान नहीं समझी, खाना नहीं मिला तो वो जरूर भौंकेगा और तुम्हारे पड़ोसी उसे रेस्क्यू कर लेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है और आखिर सुबह होने लगती है और तब नीचे क्लोज्ड बोर्ड को दिखाते हैं। जोय और पार्कर सो गए थे। जब पार्कर की आंख खुलती है तो वो सपोर्ट रॉड से अपना हाथ निकालती है, लेकिन उसका हाथ तो रॉड से चिपक गया। दरअसल रात को सेफ्टी के लिए उसने रॉड को पकड़ लिया था और अब रॉड पर जमे बर्फ के साथ उसका हाथ भी जमकर चिपक गया है। वो आंखें बंद करके जोर से हाथ निकालती है तो उसकी हथेली की चमड़ी रॉड पर ही चिपकती है और वो दर्द से बहुत चिल्लाती है। अब सूरज की रोशनी हर तरफ फैलने लगती है। पार्कर के चेहरे पर और भी फ्रॉस्ट बाइट्स नजर आते हैं। उससे बात करते करते जोय की आंख लग जाती है। यहाँ पार्कर कल रात से सुसु को कंट्रोल करके बैठी है, बेचारी और कंट्रोल नहीं कर पाती। वो वहीं हल्की हो जाती है और अपनी हालत पर रोने लगती है। धीरे धीरे वो उम्मीद खोने लगती है, लेकिन जोय उसका मूड हल्का करने के लिए अपने और डैन के बचपन की बातें बताता है। कहता है कि एक्चुअली हम दोनों प्री केजी में मिले थे, स्कूल के पहले दिन उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई, लेकिन वो डोर के पास खड़ा होकर रोने लगा कि माँ कब आएगी। तब टीचर ने उससे कहा कि तुम्हें क्लास में जो लड़का पसंद आए उसके पास बैठकर बैठ जाओ। पता नहीं उस बेवकूफ को मुझ में क्या नजर आया, वो सीधे मेरे पास आकर बैठ गया और उस दिन से हम दोनों बेवकूफ जिंदगी भर के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन आज हमारी जान बचाने के लिए वो अपनी जान गंवा बैठा, उसका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा, हम यहाँ से बच निकलेंगे। वो देखता है कि इनकी कार और पोल के बीच में एक और कार भी है। अब उसे किसी तरह उस पोल पर पहुँचना है। वो कार पर जरा प्रेशर देकर चढ़ता है और केबल को पकड़ लेता है, पर उस प्रेशर की वजह से इनकी कार का एक नट ढीला पड़ जाता है और कार एक और नीचे हो जाती है। जो एक कांटेदार केबल को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि अचानक नीचे भेड़ियों का झुंड आ जाता है। लगता है ये झुंड जोय और पार्कर के नीचे गिरने का इंतजार कर रहा है। अरे ये लोग कब गिरेंगे और हम कब नाश्ता खाएंगे, वे नीचे खड़े होकर घुर्राने लगते हैं। जोय किसी तरह उस दूसरी कार पर पहुंच जाता है, उसकी हथेलियां पूरी तरह छिल चुकी है। वो पार्कर से इसका स्टिक मांगता है ताकि अगर नीचे भेड़िया उसको घेर ले तो वो खुद को डिफेंड कर पाएगा। पार्कर स्टिक फेंकती है लेकिन वो कहीं और ही गिर जाता है। अब जोय फिर से केबल पकड़कर जाने लगता है और आखिर उस पोल पर पहुंच जाता है, लेकिन जरा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो नीचे उतरने लगता है। उसे लगता है कि वो आसानी से भेड़ियों को भगा देगा,
पर भेड़िया अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं, जो इतना घायल और कमजोर होता है कि अपना डिफेंस नहीं कर पाता। भेड़िया उसके पैर पर काट देते हैं, लेकिन फिर भी जोए किसी तरह इसका स्टिक को निकाल लेता है और भेड़ियों को अंधाधुंध पीटने लगता है। एक भेड़िए की आंख डैमेज हो जाती है और उसके साथी भी डर के मारे कुछ दूर भाग जाते हैं। अब जोए बड़ी मुश्किल से स्काई बोर्ड पर बैठ जाता है जो उसने पहले फेंका था। वो धीरे धीरे उस पर स्केट करता है और पार्कर को भी आवाज देता है कि मैं जल्दी किसी को बुला लाऊंगा। अब भेड़िए जान चुके हैं कि जोए घायल है और वे उसका पीछा करने लगते हैं। ये दृश्य देखकर तो पार्कर घबराने लगती है। बहुत देर हो जाती है और अब ठंड भी बढ़ रही है। वो फिर से फ्रीज होने लगती है। जोए अब आएगा तब आएगा ये सोचकर पार्कर इंतजार करती रहती है। जल्द ही अंधेरा हो जाता है। पार्कर खुद को दिलासा देती है कि शायद जोए पहाड़ के निचले हिस्से में गया होगा, इसीलिए देर हो रही है। वो जरूर किसी को लेकर आएगा। इंतजार करते करते रात बीत जाती है और अगला दिन ही आ जाता है। अब पार्कर को यकीन हो जाता है कि उसे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी और कोई उसे रेस्क्यू करने वाला नहीं आएगा। वो धीरे से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कार का स्क्रू जो रोप के साथ कनेक्टेड है वो खुलने लगता है। उसे खुलते हुए देखकर पार्कर टेंशन में कार को पकड़कर लटक रही होती है और तभी अचानक रोप कट होता है और पार्कर कार के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरती। दरअसल एक छोटे वायर के बल पर कार लटक रही होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रोप के कटने से पार्कर अब उतनी ऊंचाई पर नहीं है। वो जमीन के जरा पास ही आ गई है। अब वो नीचे गिरी भी तो उसे कुछ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्कर रोप को छोड़ देती है और धड़ करके नीचे गिरती है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जरा चक्कर आने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो चैन की सांस ले, कार का वो पतला वायर कट जाता है और रोप कार सीधे पार्कर के पैर पर आकर गिर जाता है। पार्कर का पैर टूट जाता है क्योंकि ये एक स्लोप है। पार्कर धीरे धीरे रेंगती हुई नीचे जाती है, लेकिन कुछ दूर पर वो बर्फ पर लाल रंग देखती है। ये जोए का खून है। दरअसल उन भेड़ियों ने जोए पर अटैक किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ पड़े होते हैं और अब भेड़िया उसको खा रहे होते हैं। और तभी एक भेड़िया पार्कर को देखता है। पार्कर को अपने शरीर के टुकड़े होते हुए नजर आते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ मूवी का आखिरी ट्विस्ट आता है। भेड़ियों का झुंड कल रात डैन को खा चुका था और अब जोए को भी खा रहे होते हैं, इसलिए उनकी भूख मिट चुकी है और वे पेट भर खा चुके हैं, इसलिए वे पार्कर पर अटैक नहीं करते। यही है जानवरों का नेचर। लेकिन इंसान के नेचर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करके बताइए। अब पार्कर और आगे बढ़ती है और उस टूरिस्ट स्पॉट को भी क्रॉस कर लेती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बहुत देर रेंगती भी वो एक जगह पर पहुंचती है जहां पर उसको एक सड़क नजर आती है। उस तरफ एक गाड़ी आ रही है। वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है और हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है, लेकिन वो गाड़ी रुकती नहीं। अब पार्कर नीचे गिर जाती है। फिर भी वो कोशिश करके धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच पहुंचती है और बेहोश होने लगती है। तभी एक और गाड़ी आती है और उसका ड्राइवर पार्कर को देखकर गाड़ी रोक लेता है। वो पार्कर को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। पार्कर इतनी फ्रीज हो चुकी है कि वो बात भी नहीं कर पाती है। लेकिन ड्राइवर उसको हिम्मत देता है कि डरो मत, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और तब पार्कर के कानों में डैन की एक ही बात गूंज रही होती है, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, तुम यहाँ पर नहीं मरोगी। पार्कर रियलाइज करती है कि डैन ने बिल्कुल सच कहा था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इससे ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको मूवी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।